नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। मैं फिर लेकर के हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करेंगे कर्णिन माता मंदिर के बारे में। अगर आपके घर में आपको एक भी चूहा नज़र आ जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं और आप उसको अपने घर से भगाने की तमाम तरकीबें लगाएंगे, क्योंकि चूहों को प्लेग जैसी कई भयानक बीमारियों का कारण भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में माता का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर लगभग 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का जूठा प्रसाद भी दिया जाता है। राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है देशनोक और यहीं है कर्णी माता का विश्व विख्यात मंदिर। इस मंदिर को लोग देश और दुनिया में चूहों वाला मंदिर के नाम से भी जानते हैं। देशनोक का ये मंदिर एक प्रमुख पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। देवी कर्णी माता इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं जिनको ये मंदिर समर्पित किया गया है और इन्हें माँ दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। बीकानेर के निर्माता राव बीकाजी थे और उनको देवी कर्णी माता से आशीर्वाद प्राप्त था। तब से देवी को बीकानेर राजवंश के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये मंदिर अपने चमत्कारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो जितना खूबसूरत है उतना ही अपने आप में विचित्र भी है। कुछ ऐसी ही इस मरुस्थल में आश्चर्य का विषय लिए बसा देशनोक कस्बा। देशनोक माता कारणी के मंदिर की बदौलत पूरे भारत में फेमस है, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में खास है। इस मंदिर में भक्तों से ज्यादा काले चूहे नजर आते हैं और इन चूहों को बकायदा दूध लड्डू भक्तों के द्वारा परोसा जाता है। लोग इस मंदिर में आते तो कर्णी माता के दर्शन के लिए हैं, पर साथ ही उनकी नजरें खोजती है सफेद चूहे को। कर्णी माता जिनको भक्त माँ जगदम्बा का अवतार मानते हैं और उनका जन्म 1387 में एक चारण परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम रिघुबाई था। रिघुबाई की शादी साठिका गांव के किपोजी चारण से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उनका मन सांस्कृतिक जीवन से ऊब गया। इसीलिए उन्होंने किपोजी चारण की शादी अपनी छोटी बहन गुलाब से करवा कर खुद को माता की भक्ति और लोगों की सेवा में लगा दिया। जन कल्याण, अलौकिक कार्य और चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही रिघुबाई को कर्णी माता के नाम से वहां के लोग पूजने लगे। आज के समय में जहां ये मंदिर स्थित है वहां पर एक गुफा में कर्णी माता अपने इष्ट देवी की पूजा किया करती थी। ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में मौजूद है। कहते हैं कि कर्णी माता 151 साल तक जिंदा रहकर 1538 को ज्योतिर्लीन हो गई थी। उनके ज्योतिर्लीन होने के बाद से भक्तों ने उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, जो कि तब से अब तक लगातार ये परंपरा जारी है। हम आपको बता दें कि कर्णी माता बीकानेर राजघराने की कुलदेवी हैं और कहते हैं कि उनके ही आशीर्वाद से बीकानेर और जोधपुर रियासत की स्थापना हुई थी। कर्णी माता के आज के समय का ये मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराजा जो 20वीं शताब्दी से शुरुआत में करवाया था। इस मंदिर में चूहों के अलावा संगमरमर के मुख्य द्वार पर की गई अद्भुत कारीगरी, मुख्य द्वार पर लगे चांदी के बड़े बड़े किवाड़, माता के सोने के छत और चूहों के प्रसाद के लिए रखी चांदी की बहुत बड़ी परात भी वहां का मुख्य आकर्षण है। अगर हम चूहों की बात करें तो मंदिर के अंदर चूहों का एक छत्र राज चलता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते हैं। चूहों की संख्या ज्यादा होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के अंदर मुख्य मूर्ति तक पहुंचाने के लिए आपको अपने पैर घसीटते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैर उठाकर रखते हैं तो उसके नीचे आकर चूहे घायल हो सकते हैं, जो कि अशुभ माना जाता है। इस मंदिर में करीब 20,000 काले चूहों के साथ कुछ सफेद चूहे भी रहते हैं। इन चूहों को ज्यादा पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि अगर आपको सफेद चूहा दिखाई दे दिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
इस मंदिरों में चूहों की एक खासियत ये भी है कि मंदिर में सुबह 5 बजे होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे होने वाली संध्या आरती के समय ज्यादातर चूहे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इन दो समों में चूहों की सबसे ज्यादा भाग दौड़ रहती है और यहाँ पर रहने वाले चूहों को काबा कहा जाता है। हम आपको बता दें कि माँ को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को पहले चूहे खाते हैं, फिर उसे भक्तों में बांटा जाता है। चील, गिद्ध और दूसरे जानवरों से इन चूहों की रक्षा के लिए मंदिर में खुले स्थानों पर बारीक जाली लगी हुई है। करणी माता मंदिर में रहने वाले चूहे माँ की संतान माने जाते हैं और करणी माता की कथा के अनुसार एक बार करणी माता का सौतेला पुत्र यानी उसकी बहन गुलाब और उसके पति पुत्र लक्ष्मण कोलायत में स्थित कपिल सरोवर में पानी पीने की कोशिश में डूब कर मर गया था। जब करणी माता को ये पता चला तो उन्होंने मृत्यु के देवता यानी यमराज को उसे दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। पहले तो यमराज ने मना किया, लेकिन बाद में उनको मजबूर होकर उसे चूहे के रूप में दोबारा जीवित कर दिया। जबकि बीकानेर के लोक गीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी भी बताई जाती है, जिसके अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक सेना देशनोक पर आक्रमण करने आई। उनको माता ने अपने चमत्कार से चूहे बना दिया और अपनी सेवा में रख लिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतने चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में बदबू बिल्कुल भी नहीं आती। आज तक यहाँ कोई भी बीमारी नहीं फैली। यहाँ तक कि चूहों का जूठा प्रसाद खाने से कोई भी भक्त बीमार भी नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, जब आज के कुछ दशक पहले पूरे भारत में प्लेग नाम की बीमारी फैली थी, उस समय भी उस मंदिर में भक्तों का मेला लगा रहता था और वो चूहों का जूठा किया प्रसाद भी खाते थे। इन चूहों के द्वारा जूठा किया गया प्रसाद खाना शुभ माना जाता है और अगर गलती से कोई चूहा किसी से मर जाता है तो उसे मंदिर में चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ता है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, पर साल में 2 बार यानी नवरात्रि में यहाँ खास मेला भी लगता है, जिसमें देश भर के भक्त देवी दर्शन करने के लिए आते हैं। अगर आपके घर में आपको एक भी चूहा नजर आ जाता है तो आप बेचैन हो उठते हैं। आप उन चूहों को अपने घर से भगाने की तमाम तरकीबें लगाते हैं, लेकिन इस करणी माता के मंदिर में जहां पर 20,000 चूहे रहते हैं और मंदिर में आने वाले भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद भी दिया जाता है, यहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए जहां घंटियों, तालों और धागों को बांधने की प्रथा को अपनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर में मनोकामना पूरा होने के लिए चूहों से जोड़ा जाता है। इस अनोखे मंदिर में इतने चूहे हैं कि भक्तों का चलना भी दूभर हो जाता है। करणी माता का ये मंदिर अपने चमत्कारों और माता के संतान माने जाने वाले चूहों की वजह से देश दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर करणी माता ने तपस्या करके इस स्थान को गरिमा प्रदान की और गंगा सिंह जी की द्वारा बनाया गया मंदिर के बाहरी आवरण के अलावा अन्य सभी ऐतिहासिक अवशेष काल के साथ ही विलुप्त हो चुके हैं। आज के देशनोक की आबादी लगभग 20,000 है और इसमें मूल जन देपावत शाखा के बिठू चारण हैं, जिनकी संख्या 2300 लोगों की है और यही लोग करणी माता के मंदिर में अधिकृत पुजारी भी हैं। माता जी का भी घोषित क्षेत्र है जिसे ओरन कहते हैं। इस क्षेत्र में हल चलाना, लकड़ी काटना और अन्य हिंसक कार्यों पर रोक लगी है, जिसका पालन कुछ अंशों में तो अभी तक होता है। इसका क्षेत्रफल मंदिर के 4 वर्ग मील में माना जाता है। यहाँ का ये मंदिर संगमरमर की अनुपम कलाकृति के कारण विदेशों में भी मशहूर है। मंदिर के सामने ही देशनोक कस्बा बसा है, जो आधुनिक विकास की प्राथमिक सीमाएं भी प्राप्त कर पाया है। हम आपको बता दें कि चूहे इस मंदिर में निडर होकर घूमते हैं, जिनको स्थानीय बोली में इनको काबा कहकर पुकारा जाता है। सफेद काबे यानी सफेद चूहे के दर्शन के लिए भक्तगण लालायित रहते हैं, क्योंकि ये धारणा है कि भाग्यशाली व्यक्ति को ही इस पवित्र काबे के दर्शन होते हैं और वास्तव में इसके दर्शन दुर्लभ ही होते हैं। करणी माता मंदिर, जिसे मूषक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, देशनोक का ये एक प्रमुख पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। देवी करणी माता इस मंदिर की प्रमुख देवी हैं, जिनको ये मंदिर समर्पित किया गया है। उन्हें माँ दुर्गा का अवतार भी माना जाता रहा है, जबकि किंवदंतियों के अनुसार राव बीकाजी
जो बीकानेर के निर्माता थे, को देवी करणी माता से आशीर्वाद प्राप्त था। तब से देवी को बीकानेर राजवंश के संरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है और बताया जाता है कि राजा गंगा सिंह जी के द्वारा 20वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल, और अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।